दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जितेंद्र आव्हाड कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ दिन पहले उनके 14 स्टाफ मेंबर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इन 14 में से 5 पुलिस कांस्टेबल थे जो उनकी सुरक्षा में तैनात थे। बाकी 9 लोगों में उनके निजी स्टाफ, घरेलू सहायक और पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हैं। इसके बाद मंत्री जितेंद्र आव्हाड खुद ही क्वारंटीन हो गए थे। जितेंद्र आव्हाड ने जानकारी दी थी कि ऐसे एक व्यक्ति के संपर्क में वो आए थे जो बाद में कोरोना पॉजिटिव निकला था। इसके बाद स्वास्थ्य महकमे ने उन्हें तुरंत होम क्वारंटीन में जाने की सलाह दी थी। जितेंद्र आव्हाड ठाणे जिले के कालवा मुबरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस इलाके से कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पुलिस अधिकारी से पहुंचा उन तक कोरोना। जितेंद्र आव्हाड एक पुलिस अधिकारी के संपर्क में आए थे। ये अधिकारी बाद में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद आवास मंत्री आव्हाड ने कुछ दिनों के लिए क्वारंटीन करने की खुद को घोषणा कर दी थी। कोरोना पॉजिटिव पाए गए वो राज्य के पहले मंत्री हैं। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से भी अपील की थी कि वो अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। इससे पहले ठाणे के पूर्व सांसद आनंद परांजपे का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया था। जितेंद्र आव्हाड उनके भी संपर्क में आए थे। अप्रैल के पहले हफ्ते में आव्हाड ने अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया था। कलवा मुम्बरा से बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुए हैं। बुधवार को मुंबई के केंद्र सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले के बंगले पर तैनात एक कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मालाबार हिल्स पर तैनात 2 महिला पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। इसके बाद वहां तैनात 6 पुलिसकर्मी समेत कई स्टाफ को क्वारंटीन कर दिया गया था। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सर्वत, आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉक।